हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी फार्माकोग्नोसी है, बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर एंड थर्ड ईयर। तो जो हमारी नेक्स्ट आज हब है वो हमारी है डायोस्कोरिया। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा देखें कि डायोस्कोरिया का जो पौधा है हमारा किस तरह से मिलता है देखने को, तो आप स्क्रीन पे क्लियर देख रहे हैं। जो हमारा डायोस्कोरिया है वो कुछ इस तरह का आपको सीन होगा, विजिबल होगा अगर आप रियल प्लांट देखोगे तो। ठीक है, अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो इसका सिनोनिम्स है यम, YAM, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायस्कोरिया इज द ड्राई ड्राइजोम ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ डायस्कोरिया लाइक डायस्कोरिया विलोसा, डायस्कोरिया प्राजेरी, प्रेन एंड बर्क, डायस्कोरिया कंपोजिटी, डायस्कोरिया स्पिकुली फ्लोरा एंड डायस्कोरिया डेल्टोएडा एंड डायस्कोरिया फ्लोरिंडा। ठीक है, तो क्या है, ये आपकी डायस्कोरिया की स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज, इसलिए यहाँ पे नाम लिया गया कि डायस्कोरिया ड्राई राइजोम ऑफ सेवरल स्पीसीज। ठीक है, राइजोम मतलब जो अदरक जैसे आप खाते हो ना, तो जो अदरक है वो भी एक तरह का आपका राइजोम है, तो उसी तरह जो डायस्कोरिया है वो भी उसमें एज ए मेडिसिनल तौर पे हम क्या लेते हैं, उसका राइजोम पार्ट लेते हैं। किसका, डायस्कोरिया की, जो डिफरेंट स्पीसीज है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फैमिली की, तो डायस्कोरियासी इसकी फैमिली है, डायस्कोरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम थोड़ा सा बात करें जियोग्राफिकल सोर्स की, कौन कौन से इसके जियोग्राफिकल सोर्स हैं, तो मेनली कहाँ पे मिलता है आपको, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको। ठीक है, इंडिया में हिमालय रीजन में है, काश्मीर, पंजाब। ठीक है, और जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां पे मिलता है आपको, नेपाल एंड चाइना। क्लियर, अगर थोड़ा सा हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी डायस्कोरिया की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, द कलर ऑफ द प्लांट इज स्लाइटली ब्राउन, अडरलेस, विद बिटर टेस्ट एंड वेरी इन साइज। ठीक है, ब्राउन होता है कलर इसका, अडरलेस, कोई अडर नहीं होती है, और जो टेस्ट होता है वो बिटर आपका होता है, कड़वा। क्लियर, अगर थोड़ा सा हम बात करें इसकी माइक्रोस्कोपी, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ड्रग व्हेन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप शो द एब्सेंस ऑफ एपिडर्मिस। जो हमारे डायस्कोरिया की अगर हम इस माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करें, तो क्या आपको ऑप्शन मिलता है वहां पे, एपिडर्मिस जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, द कॉर्क इज मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स एंड नेक्स्ट टू कॉर्क इट हैज कॉरिकल पैरेन्काइमाइटस टिश्यू विद द वॉल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द मेजर पार्ट ऑफ द ड्रग इज ऑक्युपाइड बाई स्टेल एंड कंसिस्ट ऑफ कोलेटरल टाइप ऑफ फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स। पहले आपने सेक्शन में क्या देखा, जो हमारे एपिडर्मिस है वो एब्सेंट होते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, तो हमारे पास क्या मिलता है, फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द ड्रग हैज इनडिस्टिंग्विशेबल इंडो डर्मिस एंड पेरिसाइक्लिक। ठीक है, जो हमारी ड्रग है माइक्रोस्कोपिकल करेक्टर है, तो उसके पास क्या है, इंडोडर्मिस है एंड पेरिसाइक्लिक प्रेजेंट होता है इसमें। क्लियर, अगर हम बात करें कि थोड़ा सा इसके फाइटोकेमिकल्स की, केमिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं डायस्कोरिया के अंदर, तो सबसे मेजर फाइटो केमिकल आपका कौन सा होता है, वो है आपका डायोजेनिन। और डायोजेनिन का जो आपका परसेंटेज है कितना है, नियरली 4 to 6% नियरली आपका डायोजेनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका सेपोजेनिन, सेपोजेनिन प्रेजेंट होता है एंड इट्स ग्लाइकोसाइड सिमेलजेनिन। ठीक है, इस्मेलाजेनिन, इस्मेलजेलिन, उसके बाद एपिस मेलाजेनिन। ठीक है, इस्मेलाजेनिन एंड एपिस मेलाजेनिन एंड बीटा आइसोमर यमोजेनिन। ठीक है, यमो मतलब जो आपका सिनोनिम यम है उसके नाम से लिया गया है, यमोजेनिन। ठीक है, इसके अलावा इट इज आल्सो कंटेन सेपोजेनिस, मतलब जो हमारा एंजाइम है, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड स्टार्च। फिनोलिक अगर कंपाउंड है, तो अल्टीमेटली जो हमारा हब्स है वो एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करेगा एंड आल्सो कंटेंट स्टार्च, और जो स्टार्च का कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, नियरली अप टू 75 या फिर 80 नियरली आपको यहाँ पे स्टार्च देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि आपको स्ट्रक्चर कौन सा ड्रॉ करना है, तो डायोजेनिन के केस में, डायस्कोरिया के केस में आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है वो बनाना है डायोजेनिन का। आप क्लियर डिस्प्ले पे देख रहे होंगे डायोजेनिन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। अगर हम बात करें कि जो हमारा डायस्कोरिया का यूज क्या है, तो इट इज मेन सोर्स ऑफ डायोजेनिन, एज वी नो डायस्कोरिया इज ए रिच सोर्स ऑफ डायोजेनिन। दिस इज वाइडली यूजेस इन मॉडर्न मेडिसिन इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड अदर स्टेरॉइड ड्रग।
जो हमारा डायस्कोरिया का यूज है वो किस में है, वो प्रोजेस्टेरोन, ये हमारे एक हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं, उनकी सेंथेसिस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करता है डायस्कोरिया। ठीक है, दीज आर यूज एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। हम डायस्कोरिया को एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह यूज कर सकते हैं, एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर ऑफ जेनाइटरी ऑर्गन्स एज वेल एज इन होस्ट ऑफ दीज डिजीज सच एज अस्थमा एंड अर्थराइटिस। जेनाइटरी डिजीज का मतलब आपका लाइक यूटीआई, ठीक है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम्स आती है, जेनाइटरी बोलते हैं हम उन्हें। एंड एज वेल एज रिस्पायरेटरी की दिक्कत आती है आपको, लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड बोन से रिलेटेड दिक्कत है जो अर्थराइटिस, हम उस केस में आपका डायोस्कोरिया को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जो यूजेज याद करने हैं वो मेजर यूज करना है, सिग्निफिकेंट यूज करना है याद। तो जो डायोस्कोरिया है उसका सिग्निफिकेंट यूज क्या है आपका, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फीमेल हार्मोन, दिस इज प्रोजेस्टेरोन एंड अदर स्टेरॉयड हार्मोन्स। क्लियर, गॉट इट। अगर हम बात करें इसकी थोड़ा मार्केटेड प्रोडक्ट कौन सा है, तो इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिपरेशन नोन एज एक्सप्लोड। एक्सप्लोड ये क्या है, हर्बोटेक फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है जिसमें आपका डायस्कोरिया का कंसंट्रेशन होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन। थैंक यू।